फिर नेक्स्ट टर्म है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि दो टर्म्स होती हैं, एक चाइल्डहुड, एक होती है एडल्ट। चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में जो टाइमिंग है, ठीक है, उसके लिए हमने एक टर्म नहीं निकाली है प्यूबर्टी। देखिए द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड के लिए एक और टर्म यूज कीजिए एडोलेसेंस, ठीक है। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स, जिसकी वजह से गैमेट की फॉर्मेशन होती है, रिपीट कर रही हूँ। देखिए जब चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का बात करने का ढंग सब एक जैसा होता है। तभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर बेबी बॉय है तो उसको फ्रॉक में पहना देते हैं, या बेबी गर्ल है तो वो तो बॉयज के सारे कपड़े पहनती ही है, जैसे ट्राउजर हो गया, निकर हो गई, शॉर्ट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? बिकॉज सेम होते हैं वो, ठीक है। बट हम उस एज की बात कर रहे हैं जहां पर अब क्या यूज होने स्टार्ट क्या होने लगा है, सेक्स हार्मोन स्टार्ट होने लगे हैं। तो हमने कहा द एज दैट विच द सेक्स हार्मोन, जिसके थ्रू गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड, बॉडी के अंदर बनने स्टार्ट हो गए हैं, एंड द बॉय एंड द गर्ल बिकम सेक्चुअली मैच्योर, जिसके वजह से अब प्रॉपरली एक शेप बॉय के अंदर और एक गर्ल के अंदर आने लगती है। इसलिए उन्होंने कहा द बॉय एंड द गर्ल बिकम सेक्चुअली मैच्योर, एबल टू रिप्रोड्यूस, और वो अब आगे इस एज में आकर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। उस पर्टिकुलर के लिए हमने टर्म यूज करी है प्यूबर्टी, मीन्स जब सेक्स हार्मोन बॉडी में रिलीज होने लगते हैं और उसके थ्रू आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। मेनली बॉय के अंदर ये जो सेक्स हार्मोन्स है 13 की एज में या 14 की एज में रिलीज होते हैं, गर्ल्स में 10 से 12 के बीच में रिलीज होते हैं। ऑन अटेंडिंग प्यूबर्टी बॉय मेल गोनाड, मेल गैमेट्स के लिए टर्म यू सी है मेल गोनाड, जिसकी बात कर रहे हैं हम टेस्टिस, जिसके थ्रू स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से गर्ल्स में फीमेल गोनाड, जिसको हमने नाम दिया था ओवा, ओवम या एग भी बोलते हैं, ठीक है। और मेन यहाँ पर दो हार्मोन्स हैं, ऑस्टेरोजन एंड प्रोग्रेस्टेरोन। आपको ये हार्मोन्स के नाम लर्न करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेल में सिंगल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है और जो आगे फर्दर स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। फीमेल में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोग्रेस्टेरोन, इन दो हार्मोन के थ्रू ओवम या ओवा की या एग की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है, आपने देखा होगा जब बेबी बॉय या गर्ल पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं देखने में, ठीक है, अगर हम उनके सेक्स ऑर्गन को छोड़ दें तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं देखने में, ठीक है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी वाली इनकी स्टेज आती है तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स सेक्सुअली कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बॉयज में दाढ़ी, मूंछ, मतलब हेयर, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट हेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। वॉइस, बच्चों की वॉइस में और एक बड़े की वॉइस में डिफरेंस आने लगता है। चेस्ट एंड शोल्डर्स आर ब्रॉड, बड़े होने लगते हैं। सेम इसी तरह से गर्ल्स में भी हेयर, फैट इंक्रीज होने लगता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। उस तरह से फेम, ठीक उसी तरह से गर्ल्स में भी सेकेंडरी कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अब कह सकते हैं कि ये मेल या फीमेल या गर्ल या बॉय क्या हो गए हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग बिकम्स फंक्शनली फॉर स्टार्ट फंक्शनिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग के अंदर क्या होने लगा है, फंक्शनली फॉर द स्टार्ट फंक्शनिंग एट द डेफिनेट एज, एक पर्टिकुलर एज में स्टार्ट होता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब प्यूबर्टी का मतलब है चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनका सेक्सुअली मैच्योर होना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्यूबर्टी। और वो एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे बॉयज में 13 to 14 एंड गर्ल्स में 10 to 12। थैंक यू एवरीवन।